राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़सा में शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक का आयोजन प्रधानाचार्य दौलाराम मेघवाल व सरपंच ओम प्रकाश वाघोरे के सानिध्य में किया गया। मारवाड़ से हमारे सहयोगी रमेश कुमार की रिपोर्ट। भाजपा खोड़ मंडल अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की मांग पर सांसद पीपी चौधरी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खटुकड़ा से किरवा तक की बनी सड़क की 18 फुट चौड़ीकरण करने का निर्णय लिया गया एवं तत्परता से कार्य की शुरुआत भी कर दी गई है। भाजपा खोड़ मंडल अध्यक्ष हुकम सिंह खरोकड़ा एवं समस्त मंडल कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने माननीय सांसद महोदय का धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत व पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवंगत कल्याण सिंह को अलीगढ़ स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान धौलपुर सांसद दुष्यंत सिंह व पूर्व मंत्री यूनुस खान भी मौजूद रहे। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि दिवंगत कल्याण सिंह का संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की सेवा एवं जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। वे राजनीति में सुचिता एवं ईमानदारी के पर्याय थे। उनके जाने से भारत की राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। बाली से हमारे सहयोगी जमाल खान की रिपोर्ट। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसलपुर में सेक्टर मीटिंग का आयोजन हुआ। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेंद्र वागोरिया की अध्यक्षता और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर भगवती लाल की मौजूदगी में सेक्टर मीटिंग का आयोजन हुआ। निजीकरण के विरोध में जोधपुर विद्युत श्रमिक संघ का धरना प्रदर्शन कर पाली अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर विद्युत श्रमिक संघ कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने धरना प्रभारी राजकुमार रियाड और सुख सिंह खंगरोत के सानिध्य में वृत्त अध्यक्ष मोतीलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक कर ज्ञापन सौंपा। जिला प्रवक्ता सुख सिंह खंगरोत ने बताया कि बैठक को संरक्षक मदन सिंह भाटी, भगवंत सिंह राजावत, व्रत महामंत्री जीवन देवासी, उपखंड पालना अध्यक्ष भगवती प्रसाद राणा, बाली अध्यक्ष पर्वत सिंह श्रीसेला, श्याम सिंह चौधरी खुड़ाला ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जोधपुर डिस्कॉम प्रशासन ने झालोर व चूरू को निजीकरण किया, उसे निरस्त कर दिया जाए, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए एवं शेष बच्चे अनुकंपा नौकरी वाले अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लिपिक बनाया जाए। पालना से हमारे सहयोगी अमित मेहता की रिपोर्ट।